सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं संजीवनी होम्योपैथी का ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ साइटिका के बारे में, और पूरी डिटेल में आपको छोटे से वीडियो में समझाने वाला हूँ, लगभग 5 से 6 मिनट का वीडियो है। सियाटिका सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से, यानी सियाटिक नर्व के दबने की वजह से उत्पन्न होने वाला एक दर्द है। मैं इसे कोई बीमारी नहीं बोल रहा हूँ, केवल दर्द बोल रहा हूँ। बीमारी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सियाटिका अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। सियाटिका जो दूसरी बीमारियां आपकी स्पाइन में होती हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी के आसपास होती हैं, उसकी वजह से उत्पन्न होता है। लक्षण जो है उसमें मुख्य लक्षण जो है वो पैरों का जो दर्द है, कमर का जो दर्द है, वो कमर से होता हुआ, आपके कूल्हे से होता हुआ, पीछे से जाएगा, घुटने के पीछे वाले भाग से होता हुआ, पैर के नीचे पे पिंडलियों के पीछे से होता हुआ और आपके सोल्स तक दर्द जाता है, मतलब आपके पैर के तलवों तक दर्द जाता है। दर्द का जो टाइप है उसमें झुनझुनी लग सकती है आपको, जलन हो सकता है, खिंचाव महसूस हो सकता है, सुन्नपन लग सकता है। बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के कि सियाटिका आपके मुझे है तो मैं कैसे पहचानूं। आप MRI करा सकते हैं, आप CT स्कैन पे जा सकते हैं, आप एक्सरे करवाते हैं, कुछ डॉक्टर्स आपके लिए विटामिन B12 का टेस्ट कराते हैं, विटामिन D के टेस्ट कराते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिकल तरीका बता रहा हूँ। यदि इस तरह का कोई कमर दर्द जिसमें आपको कमर का दर्द पैर से होता हुआ, पैर के पीछे भाग से होता हुआ, कभी कभी सामने थाइस पे भी मिलेगा, होता हुआ जा रहा है, समझ लीजिए आपके पैर में या तो खिंचाव है और या तो फिर कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन हो रहा है, नस दब रही है। अब हम समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें आपको सियाटिका की तकलीफ हो सकती है। यदि आपके कमर की जो डिस्क है, डिस्क दब रही है और दब के दो हड्डियों के बीच में डिस्क होती है रबड़ जैसी संरचना, ये पीछे की तरफ दब रही है और नर्व कंप्रेस कर रही है, तो आपको सियाटिक पेन हो सकता है, जिसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं, डिस्क बल्ज के केस में। दूसरी जो कंडीशन है जिसमें स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, एक ऐसी तकलीफ जिसमें आपके कमर की जो हड्डियां हैं उसके बीच से नर्व जाती है, जो नर्व निकलती है उसमें जो जो होल होते हैं, छोटी सी जगह बनी होती है जहां से नर्व निकलती है, इसको स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। स्पाइनल कैनाल जो है, यदि स्टेनोज हो जाए, फाइब्रोज हो जाए, यानी कैल्शियम उसमें जाके डिपॉजिट हो जाए, खराब कैल्शियम, तो आपको पेन होगा और कंप्रेशन की वजह से जो पेन होगा इसे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। आपकी स्पाइन में दर्द चालू हो जाएगा, आपके कमर में दर्द चालू हो जाएगा, आपके नर्व की जिस जहां से वो नर्व निकली वहां पे दर्द चालू हो जाएगा, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। एक और है तकलीफ जिसमें आपके हड्डियां जो है उसके आसपास आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। एक और कंडीशन जिसमें आपके जो दो हड्डियों के बीच के जो जॉइंट्स हैं उसको फैसेट जॉइंट बोलते हैं, फैसेट जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाए तो फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी एक तकलीफ होती है, इसमें होता है। कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि आपको ये तकलीफें हो क्यों रही है, क्योंकि आपकी दो हड्डियों की, कमर की दो हड्डियों के बीच में, जैसे L1, L2, L3, L4, L5 या L1 और L2, L2 या L3, L3 या L4, L4 या L5 या L5 या S1 के बीच का जो डिस्क है वो कहीं ना कहीं जाकर डिस्क पीछे की तरफ नर्व जो निकल रही है, स्पाइनल नर्व, उसको कंप्रेस कर रहा है। ये तकलीफ है समझने की। दर्द का टाइप मैंने बताया, ट्रीटमेंट मैं आपको दवाइयों को का लिस्ट नीचे लिख कर दे रहा हूँ। बीमारी को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारी जो जीवन शैली हो गई है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, लाइफस्टाइल इतनी डल हो गई है हमारी कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, खाना खाने का सुबह का नाश्ते का टाइम हमारा क्या है, दोपहर का खाना कब होना चाहिए, रात का खाना कब होना चाहिए, शाम का नाश्ता, ये सारा का सारा सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। यदि इस सिस्टम पे हम सुधार करें, सुबह के नाश्ता और दोपहर के खाना खाने का जो गैप है बहुत ज़्यादा ना रखें, हम 12-1 बजे के बीच में पूरा खाना खा लें, सुबह नाश्ता 7 से 8 बजे के बीच, 9 बजे के बीच हल्का फुल्का हो, और फिर शाम का नाश्ता 5-6 बजे के आसपास कुछ हल्का फुल्का लेके, और रात में जो 8-9 बजे के आसपास का खाना, ये एक सेटअप यदि हम बना लें जो रेगुलर हम पहले किया करते थे, तो हमारी बहुत सारी तकलीफें, बीमारियां हमारी कम हो जाएगी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन सियाटिका से नहीं है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां सुधर जाएगी। दूसरी बात, यदि आप योगा
योग और फिजियोथेरेपी नहीं लेते हैं तो वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। योग के लिए वीडियो हमने दिया हुआ है, फिजियोथेरेपी के लिए आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, वो आप देखिएगा। और ये हमने योगा डे के उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छा योग बनाया था, वो आप जब उसको फॉलो करेंगे उसमें पोस्टर्स दिए हुए हैं कि कौन से योगा आपको करना है कौन से नहीं करना है। बहुत सारी बातें मैंने अपने सारे जो सियाटिका के वीडियो हैं उस पर दिए हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस के माध्यम से जो एक अवेयरनेस क्रिएट हो। हमने बताया हुआ है बहुत सारे वीडियोस में कि कौन सी चीज़ें आपको खानी हैं कौन सी नहीं खानी हैं, आपकी लाइफस्टाइल को कैसे करेक्ट करना है, सोने का आपका टाइमिंग कैसे होना चाहिए, जो लोग रात में जाग रहे हैं वो कैसे करेंगे, जो लोग पेट के की मरीज हैं पेट की तकलीफ़ों के मरीज हैं उनके साथ यदि तकलीफ़ हो रही है तो वो कैसे करेंगे, वेट लिफ्टिंग करें या नहीं करें, दौड़ना है या नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस मैंने सियाटिका वाले सीरीज़ में आपको बताए हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको एक क्लेरिफाई कर रहा हूँ, खट्टी चीज़ें खा सकते हैं, खट्टी चीज़ों से तो कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने शेयर किए हुए हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कमर दर्द यानी सियाटिका, हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता, पहली बात इसको नोट कर लीजिए। और सियाटिका कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से अपनी ज़िंदगी अपना जीवन यापन बिना सर्जरी के कर पाएंगे। बहुत रेयर केस में ही सर्जरी होती है जब आपके डिस्क डैमेज हो जा चुकी है परमानेंट, या आपको कोई इंजरी चोट बहुत हैवी पड़ी है। आशा है ये छोटा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जैसे करते आ रहे हो उससे दोगुनी स्पीड से करिए, और उन लोगों तक भेजिए जिनको कमर दर्द की समस्या या आपको लगता है कि है या होने वाली हो सकती है या इनकी लाइफस्टाइल ख़राब है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजना। और लाइफस्टाइल की को ठीक करने के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देखिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा और ये वीडियो खूब भेजिए अपने लोगों तक भेजिए। जय हिंद जय भारत।